दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आज आपके चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लाया हूँ DTS रिसीवर, इसको डिस्टी बोला जाता है प्रीडिसर, और ये फॉल्ट है, इसमें लाइट नहीं जा रही, क्योंकि ये लाइट देने पर लाइट दिया गया से डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा। फोन पर देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। आप खोलने के लिए इसको यहाँ सब स्क्रूप है और ओपन कर लीजिए। कंटिन्यूटी चेक करने पर वायर में लाइट आ रहा, स्विच भी सही है। यहाँ जो है सप्लाई जो है आ तो रहा है, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा, इसलिए हम इसको खींच के खुद चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका फ्यूज जो है पूरा फट गया, निकल गया है। अब नया फ्यूज लगाएगा, फिर चेक किया जाएगा। ये 2 एम्पीयर का न्यू फ्यूज हम लगाते हैं इसमें। ये फ्यूज लग गया इसमें, इसका कैप बंद करते हैं। इसकी कंटिन्यूटी ना अपने बहुत शॉर्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। पड़ेगा दोस्तों, कंडेंसर को ना अपने पास कंटिन्यूटी एकदम कम बता रहा है, आप देख सकते हैं। ये कंडेंसर शॉर्ट हो गया है, तो रिप्लेस करना पड़ेगा। कंडेंसर बाहर निकाल चेक करने पर कंडेंसर सही है। इसकी मेन फॉल्ट जो है, इस डायोड जो है, सब जल चुका है, उन सबको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको रिप्लेस किया जा रहा है। इन डायोड के जल जाने पर ये इसका दोनों सिरा नापने पर मीटर से दोनों तरफ से फुल बताएगा आपको, एकदम रीडिंग जो रहेगी एकदम फुल आएगी, तो ये शॉर्ट रहेगी। इसके इस ओर से और इस ओर से नापने पर ये एक्टिव पर सही बताता है, तथा इसे उगाड़ देने पर सप्लाई नहीं देता है। इसे उगल कर देंगे तो आप, अर्थात ये वाल्व का काम करता है। शॉर्ट हो जाने पर ये फुल बताएगा चार तरफ से। इसका न्यू डायोड हम लगा रहे हैं, इस प्लेट में निकाल दिए सब डायोड हम, आप देख सकते हैं। और इसमें नया ब्रांड मिलते हैं। तो दोस्तों, हमका डायोड लगाने के बाद क्वालिटी चेक किया, एकदम सही रहा। अब हम कैपेसिटर लगाते हैं, ये वाला। इसका ये वाइट परसेंट माइनस होता है, तो ये सब प्लस होता है। यहाँ दिया ये माइनस है, प्लस है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लाइट मैंने ऑन हो गया है, ठीक है। लाइट मैंने ऑन हो गया, ये पोर्ट तैयार है। अब जो कस दिया जाएगा स्क्रू से, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।